इंडिया का थर्ड बिगेस्ट एयरपोर्ट है केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलोर। दिल्ली एंड मुंबई के बाद सबसे ज़्यादा पैसेंजर ट्रैफिक एंड कार्गो हैंडल होता है बेंगलोर एयरपोर्ट से। 1991 से 2004 तक बेंगलोर में हाल एयरपोर्ट बोल के एक ही एयरपोर्ट हुआ करता था। फिर 2005 में हाल एयरपोर्ट बंद होके बेंगलोर सिटी से 30 किलोमीटर दूर 4000 एकड़ एरिया लेकर बेंगलोर एयरपोर्ट का निर्माण हुआ। फिर 2009 में बेंगलोर सिटी का फाउंडर केम्पागौड़ा का नाम से बेंगलोर एयरपोर्ट का नाम केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ। 24 अप्रैल 2021 कोविड का जब सेकेंड वेव आया है तब मैंने कोलकाता से बेंगलोर एंड बेंगलोर से कोलकाता बाई एयर ट्रैवल किया था। पिछला वीडियो में मैंने कोलकाता एयरपोर्ट का बारे में पूरा डिटेल्स दिया था, वो वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया हूँ। इस वीडियो में मैंने बेंगलोर एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करने का कोशिश किया हूँ। आप एयरपोर्ट कैसे आओगे, अभी कोविड का टाइम में कोविड का गाइडलाइन क्या है, कैसे सिक्योरिटी चेकिंग होता है, बोर्डिंग कैसे होता है, अंदर का फूड का फैसिलिटी कैसा है, वो पूरा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मैं ये वीडियो में देने का कोशिश किया हूँ। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए। बेंगलोर एयरपोर्ट मेन सिटी से 30 किलोमीटर दूर पे है, इसलिए आने जाने का कॉस्ट दूसरे सिटी के हिसाब से थोड़ा महंगा होता है। सिटी के अंदर कुछ स्टैंड से बीएमसीटी का पब्लिक बस आपको मिल जाएगा। बीएमसीटी का पब्लिक बस का डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप अगर पब्लिक बस से एयरपोर्ट से सिटी के अंदर जाना चाहते हो, एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही राइट हैंड साइड में आपको बीएमसीटी का बस स्टैंड मिल जाएगा। इधर आपको बस मिल जाएगा। आपको अगर बस में जाना है तो इधर से आपको जिधर जाना है उधर के लिए बस मिल जाएगा। देखिए सब बस जा रहा है और ऐसा बस का जिधर जिधर बस जा रहा है उधर उधर सब लिखा हुआ है कौन सा बस कहां पर जा रहा है। आप एयरपोर्ट में ओला उबेर प्राइवेट कार लेकर भी आ सकते हो। एयरपोर्ट के बाहर राइट हैंड साइड में आपको ओला उबेर कैब स्टैंड मिल जाएगा। आप इधर से ऑनलाइन में कैब बुक करके इधर से सिटी के अंदर जा सकते हो। एयर टिकट बुक करने के लिए आपको बहुत सारा ऑनलाइन में ऐप जैसा पेटीएम, मेक माई ट्रिप, वीगो मिल जाएगा। कोविड का टाइम में एयर ट्रेवल करने के लिए फास्ट डॉक्यूमेंट में जो अभी चाहिए वो होता है आईसीएमआर अप्रूव कोविड का नेगेटिव रिपोर्ट, या फिर आपको अगर दोनों डोज लिया हुआ है दोनों डोज का सर्टिफिकेट आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कोविड गाइडलाइन का वेबसाइट का लिंक दे दिया हूँ। एयर ट्रेवल करने से पहले आप वेबसाइट में जाकर एक बार जरूर विजिट कीजिए और कोविड गाइडलाइन जो जो है वो फॉलो अप जरूर कीजिए। सेकेंड डॉक्यूमेंट्स में आप अपने साथ कोई भी एक डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट आप रख सकते हो। थर्ड डॉक्यूमेंट्स में एयरपोर्ट में एंट्री होने के लिए आपको चाहिए टिकट का रिसिप्ट कॉपी या फिर बोर्डिंग पास। रिसिप्ट कॉपी लेकर आप फास्ट सिक्योरिटी चेकिंग होकर एयरपोर्ट के अंदर जा सकते हो, लेकिन फाइनल सिक्योरिटी चेकिंग के लिए आपको बोर्डिंग पास चाहिए। बोर्डिंग पास आपको एयरलाइन का वेबसाइट में जाकर पीएनएन नंबर देकर डाउनलोड करना पड़ेगा, या फिर आप एयरपोर्ट में पहुँच कर भी ऑटोमेटिक बोर्डिंग प्रिंटर मशीन से अपना बोर्डिंग पास प्रिंट कर सकते हो। अभी कोविड का टाइम में ऑटोमेटिक बोर्डिंग पास मशीन बंद है। आप एयरलाइन का ऑफिस में जाकर भी अपना बोर्डिंग पास प्रिंट कर सकते हो। बोर्डिंग पास में आपका नेम, फ्लाइट का नंबर एंड सीट नंबर लिखा हुआ रहेगा। को मनपसंद सीट के लिए आपको 100 रुपीज़ से 400 रुपीज़ तक एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा। बेंगलोर एयरपोर्ट एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल जैसा है। एयरपोर्ट का अंदर एंड बाहर आपको बहुत सारा फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट मिल जाएगा। आप इधर से फास्ट फूड, स्नैक, डिनर, लंच कर सकते हो।
दूसरे एयरपोर्ट के जैसा बेंगलोर एयरपोर्ट में भी खाने पीने का चार्जेस मुझे बहुत ज़्यादा लगा। आप अगर सस्ते में लंच, स्नैक्स, डिनर या फिर चाय का मजा लेना चाहते हो तो फिर एयरपोर्ट के बाहर लेफ्ट हैंड साइड में आपको आना पड़ेगा। इधर आपको बहुत सारा खाने पीने का आइटम जैसे चाय, चाउमीन, वेज फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस, बिरयानी, वेज बिरयानी, चिकन बिरयानी और भी बहुत सारा फूड आइटम आपको इधर मिल जाएगा। मैं 30 रुपये देकर ये चाय और वेज पाप लिया था। बेंगलोर एयरपोर्ट में आपको बहुत सारा आरओ ड्रिंकिंग वाटर मिल जाएगा, इसलिए आप अगर अपने साथ बॉटल कैरी कर रहे हो आप आराम से आपका बॉटल आरओ वाटर से फिल कर सकते हो। बेंगलोर एयरपोर्ट में दूसरा सिटी के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा अलग अलग टाइप का डस्टबिन देखने को मिला। इधर का बाथरूम भी काफ़ी साफ सुथरा एंड बहुत स्मार्ट है। एयर ट्रैवल करने के लिए 15 केजी तक लगेज बैग आप फ्लाइट में बोर्डिंग होने से पहले और एयरपोर्ट में एंट्री होते ही एयरलाइन का काउंटर में जाकर आप अपना लगेज बैग दे देना है। ये बैग आपको आप जिधर जा रहे हो उधर जाकर मिलेगा। जैसे आप अगर बेंगलोर से मुंबई जा रहे हो तो आप अपना बैग मुंबई में जाकर मिलेगा। आप अपना साथ 8 केजी तक छोटा ट्रैवल बैग कैरी कर सकते हो। 15 केजी तक लगेज बैग एंड 8 केजी तक छोटा ट्रैवल बैग से ज़्यादा अगर आपका बैग का वजन हो जाएगा तो अलग अलग एयरलाइन के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ेगा। मैं बेंगलोर एयरपोर्ट पहले बस के थ्रू एंड उसके बाद कैब बुक करके पहुंचा था। आप एयरपोर्ट तक पब्लिक बस के थ्रू भी आ सकते हो। मेन सिटी से 30 किलोमीटर दूरी पर एयरपोर्ट आने के लिए आपको 400 रुपीज़ चार्जेस देना पड़ेगा। मेरा फ्लाइट नेक्स्ट डे मॉर्निंग 5 बजे था और मैं एयरपोर्ट अगले दिन शाम को पहुंच गया था। आप फ्लाइट छोड़ने का 2 घंटे पहले एयरपोर्ट में पहुंच जाइए। अभी कोविड का टाइम में आप टाइम लेकर पहले ही आप एयरपोर्ट में पहुँच जाइए। बेंगलोर एयरपोर्ट दूसरा एयरपोर्ट के हिसाब से बहुत खूबसूरत है। आपको अगर एयरपोर्ट में छोड़ने के लिए आपका फ्रेंड फैमिली आ रहा है तो आप इधर ट्रीट दे सकते हो। एयरपोर्ट का बाहर बैठने का भी आपको अच्छा खासा प्लेस मिल जाएगा। आपके पास अगर ज़्यादा लगेज है तो इधर से आप फ्री में ट्रॉली सर्विस भी ले सकते हो। आपको इधर हर बैंक का एटीएम भी मिल जाएगा। फिजिकली डिजेबल पैसेंजर के लिए आपको व्हील चेयर का सर्विस भी फ्री में मिल जाएगा। व्हील चेयर सर्विस के लिए आप एयरलाइन का ऑफिस में जाकर कॉन्टैक्ट कीजिए। उसका तुरंत बाद ही आपको व्हील चेयर का अरेंजमेंट हो जाएगा। अगर आप में से किसी को भी स्मोकिंग का आदत है तो बेंगलोर एयरपोर्ट में स्मोकिंग की फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगा। स्मोक करने के लिए आपको एयरपोर्ट से बाहर निकल के लेफ्ट हैंड साइड में आना पड़ेगा। उधर आपको शीशे का एक घर दिखेगा, उसके अंदर ही आप स्मोक कर सकते हो। अभी टाइम रात का 12:30 बज गया है, चेक इन करने वाला हूँ।
इधर ठंड बहुत ज़्यादा है, आप मेरे को देख के थोड़ा सा समझ जाइए इधर कितना ज़्यादा ठंड है। मैं एक सात के ऊपर और एक सात पहना हूँ और मेरा कान को ढकने के लिए ये रूमाल का यूज मैं किया हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड है, विश्वास नहीं हो रहा है कि अप्रैल महीने में इधर इतना ठंड है। आप अगर अप्रैल मंथ में अगर बेंगलोर आओगे तो आप ठंड का थोड़ा सा सामान अपने पास ज़रूर रखिए। और मैं आपको और एक बात आपको बता दे रहा हूँ, आप अगर एयरपोर्ट में आओगे आपके साथ बोर्डिंग पास, टिकट का कॉपी, वो जेरोक्स कॉपी अपना साथ रखिए और एक आधार कार्ड का कॉपी भी अपना साथ आप रखने का कोशिश कीजिए। ये सब डॉक्यूमेंट्स आप अगर अपना साथ रखोगे तो आपके लिए ट्रैवल करना बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए अभी चेक इन करके एयरपोर्ट का अंदर ले जाके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि अंदर का कैसा माहौल है रात को। मेरा फ्लाइट मॉर्निंग का 5:10 को है, चलिए मिलते हैं उधर जाके। पहला सिक्योरिटी जोन में आप अपना आधार कार्ड और बोर्डिंग पास को दिखा के आप एयरपोर्ट में एंट्री हो जाइए। एयरपोर्ट में एंट्री होकर आपके पास अगर लगेज बैग है तो काउंटर में जाकर आप अपना लगेज बैग दे दीजिए। बेंगलोर एयरपोर्ट में एंट्री होते ही लिफ्ट के थ्रू मुझे सेकेंड सिक्योरिटी जोन के लिए ऊपर जाना पड़ा। सेकेंड सिक्योरिटी जोन में एक ट्रे में आपके पास अगर मोबाइल, पर्स, बेल्ट, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो रखना पड़ेगा। फिर आप अपना बॉडी स्कैन करवा के एयरपोर्ट में एंट्री हो जाइए। एयरपोर्ट के अंदर शॉपिंग करने का आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, आप इधर से आप अपना मनपसंद सामान परचेस कर सकते हो। बेंगलोर एयरपोर्ट के अंदर आपको सोने बैठने का बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। आपका फ्लाइट अगर डिले में चल रहा है तो आप इधर आराम से थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो। अभी आप डिस्प्ले बोर्ड में आपका फ्लाइट का नंबर देखकर कौन सा गेट नंबर से आपका फ्लाइट जाएगा वो देखकर आप अपने गेट नंबर के पास आ जाइए। अभी आप अपना गेट नंबर के पास आके फाइनल अनाउंसमेंट होने तक थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। मेरा फ्लाइट गेट नंबर 19 से जाने वाला है। गेट नंबर 19 से हम लोग बस से गए थे।
फ्लाइट में फाइनल बोर्डिंग होने से पहले आपका टिकट और एक बार चेकिंग होगा। फ्लाइट में बोर्डिंग होकर आप अपना सीट देखकर बैठ जाइए। आज का वीडियो बस इतना ही, मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अब जरूर कीजिए।